दोस्तों, आज मैं एक सर्वे के लिए आया हूँ जो छोटा सा रूफटॉप प्रोजेक्ट के लिए है। आप देख सकते हैं एक छत पे मैं आया हूँ और यहाँ पे डायमेंशन लेना है। डायमेंशन कैसे क्रिएट करेंगे और क्या क्या यहाँ पे पॉइंट उठाना है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि सामने देख रहे हैं एक छोटा सा फ्रेम टाइप का बनाया गया है। ऐसे क्लाइंट ने बताया कि फ्रेम आप यहाँ से हटा सकते हैं, मतलब ये पूरा छत खाली हो जाएगा। पूरा छत खाली हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं, छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। एक ये ब्लॉक्स है, इस लाइन में तीन है, उसके बाद उस लाइन में भी तीन है, और उस लास्ट में यहाँ पर एक वाटर टैंक है। वाटर टैंक के साथ साथ ये पैरफिट वॉल है। पैरफिट वॉल की हाइट लगभग 2 फीट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पैरफिट वॉल है इसका 2 फीट हाइट है, और ये डायरेक्शन साउथ है। आप देख सकते हैं ये साउथ है, एकदम डायरेक्टली ये साउथ है। और देख सकते हैं साउथ के बगल में एक शेड है, साउथ वेस्ट की तरफ एक शेड है जी। इस शेड पे भी प्रोजेक्ट लगेगा, आप शेड को देख सकते हैं। शेड पे लगभग 100 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगेगा, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पे भी एक सुपर स्ट्रक्चर लगेगा। सुपर स्ट्रक्चर मतलब यहाँ से मैं कवर करूँगा, पूरा स्ट्रक्चर लगाना है यहाँ पे, यहाँ से पूरा स्ट्रक्चर लगेगा। अब आते हैं कि मुझे सबसे पहले क्या डिसाइड करना पड़ेगा। साइट पर आया हूँ तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड मैं अगर साइट पे आया हूँ तो क्या मुझे सबसे पहले चेक करना है। सबसे पहले आप चेक कीजिए अपने गूगल पे, इस पर अपने फ़ोन से कंपास निकाल के चेक कीजिए कि आपका डायरेक्शन साउथ का किधर है। तो मैंने चेक किया हूँ तो ये डायरेक्शन है साउथ, ये डायरेक्शन है। और उसके साथ साथ दूसरा जो पॉइंट है, पहला पॉइंट तो डायरेक्शन हो गया, दूसरा पॉइंट ये है कि आपका पैराफिट वॉल का हाइट कितना है, पैराफिट वॉल का हाइट कितना है, और जो छत का हाइट है वो कितना है। तो छत का हाइट देख सकते हैं, छत का हाइट है 9 मीटर, 9 मीटर मैंने मेजर किया हूँ। अब आते हैं अब दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट आते हैं। दूसरा पॉइंट तो हो गया, तीसरा पॉइंट ये है कि अब मेजर कीजिए। अब इस कॉर्नर से आपको मेजर करना है उस कॉर्नर तक। तो इस कॉर्नर से उस कॉर्नर के बीच में जो लेंथ है वो है 9.5 मीटर, 9.5 मीटर है। और अब आते हैं ईस्ट से वेस्ट हो गया है, अब साउथ से नॉर्थ देखते हैं, मतलब फ्रंट से बैक की तरफ। ये फ्रंट से बैक है तो ये लगभग 24 मीटर लेंथ है। ये यहाँ से अगर ये कॉर्नर मैं पकड़ता हूँ, ये कॉर्नर से किमरते सीधा जाता हूँ, ये 24.5 मीटर है। 24.5 मीटर के बाद ब्लॉक्स देखते हैं। ब्लॉक्स यहाँ से इस ब्लॉक से पैराफिट वॉल के बीच में लगभग 1 मीटर है, 1 मीटर समथिंग है, लेकिन 1 मीटर कंसिडर करके आपको बता रहा हूँ। फिर इस ब्लॉक से उस ब्लॉक के बीच में 5 मीटर गैप है, और वो 4 मीटर उधर हो गया, तो टोटल मतलब 10 मीटर के आसपास है, ठीक है। उसके बाद इस ये ब्लॉक से ये ब्लॉक्स के बीच में डायमेंशन लेना है। ये कंप्लीट होने के बाद हर एक ब्लॉक्स को ले लिए, अब ब्लॉक्स का हाइट देखेंगे। अब एक ब्लॉक्स का डायमेंशन देख लीजिए कि इसका लेंथ विड्थ क्या है, वो आप मेजर कर लीजिए। उसके बाद आते हैं ये मुमटी की तरफ आएंगे तो देखिए आगे यहाँ पर मुमटी का हाइट जो है 8 फीट हाइट है। 8 फीट हाइट है और यहाँ पे जो पूरा कवर हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक डिसाइड किए हैं कि जो मैं सुपर स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहा हूँ वहाँ से डायरेक्टली उठ के आएगा सोलर प्रोजेक्ट पूरा। तो यहाँ आते आते मेरे स्ट्रक्चर का हाइट ऑटोमेटिक 11-12 फीट हो जाता है, तो ये 8 फीट कवर हो जाएगा, ठीक है। ये सब यहाँ से ब्रेक होने के बाद ये सब टूट जाएगा। टूटने के बाद अब देख सकते हैं दोस्तों ये यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाना है। तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया हूँ 40 किलोवाट का सुपर स्ट्रक्चर लगेगा। अब दोस्तों कैसे इस पे डिजाइन होगा और कितने किलोवाट लगेगा वो मैं आपको
डिजाइन करके बताऊंगा, सर्वे के साथ साथ डिजाइन भी।